हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइफ। आज मैं बनाऊंगी मखनी दाल। तो मैंने यहाँ पर काली दाल और चने की दाल को, मतलब जो है दोनों इक्वली क्वांटिटी में, मतलब अगर आपने एक कप ये लिया है तो एक कप ये, दोनों को बॉईल कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर मैंने जो है प्याज काट के इनको थोड़ा सा पहले ब्राउन कर लिया है। और ब्राउन करने के बाद आप इसमें हल्का सा टमाटर डाल दीजिए। मैंने तीन प्याज लिए हैं और दो टमाटर। गैस का फ्लेम आप धीरे कर दीजिए। और ग्रेवी पलक थोड़ी सी आप अच्छी बनाइए। मखनी दाल जो रेस्टोरेंट में मिलती है आज हम वही बनाने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी को पहले आप थोड़ा सा टमाटर को तेल निकलने दीजिए, थोड़ा सा गलने दीजिए तब तक। और इसको आप इक्वली अच्छे से, मतलब जो है गला दीजिए। इसमें कम से कम मैंने तीन सीटी लगाई है, तीन सीटी में ही जल्दी गल गई है, क्योंकि ये चने की दाल जो है जल्दी गल जाती है और ये काली दाल भी जल्दी गल जाती है। तो आप हार्डली, मतलब इसमें तीन विसल्स लगाइए, तीन विसल्स में ही आपकी ये गल जाएगी। टमाटर को थोड़ा सा तेल निकलने दीजिए, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। टमाटर ने देखिए फ्रेंड्स से तेल छोड़ दिया है, लेकिन अभी गले नहीं है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। देखिए मसालों में जो है जीरा, कस्तूरी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, लाल मसाला और नमक। तो ये आप इन सबको हम जो है इसके बीच में डाल देंगे। मसालों को पकने दीजिए और तब तक टमाटर भी हमारे थोड़े गल जाएंगे। टमाटर को पहले अच्छे से गला लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी जो है मेरी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये जो है कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। अब मैं सारी ग्रेवी जो है इसी, मतलब जो है इसमें दाल में ही जो है दोबारा डाल के इसकी दोबारा सीटी लगाऊंगी। देखिए इसी में ही दोबारा ये डाल के मैंने देखिए इसको रख दिया है। और अब इन दो सीटियाँ आप दोबारा से इसको करिए, तभी मतलब जो है ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी मतलब यमी है। अब आप इसमें जैसे थोड़ा सा मक्खन वगैरह डाल के अच्छे से और बना सकते हैं। मैंने देखिए राइस के साथ जो है, राइस के साथ मैं खाऊँगी। तो आप भी इस तरह से अपने गर्मियों में खाइए और इंजॉय कीजिए। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।